यहाँ पर हम बाकी क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे बचे हुए हैं, डीसी बेसिक्स और नेटवर्क से रिलेटेड। पर न्यूमेरिकल है, हम बाद में सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम थर्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम द टर्मिनल ए एंड बी ऑफ द डिवाइस व्हिच क्रैशेस शोन इन द फिगर। तो ये क्रैशेस है, तो यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा का क्या हो सकती है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू और रेजिस्टेंस की हो नहीं सकती। तो क्या होगा इसका आंसर, 20 डिवाइड बाई -4। तो यानी कि मैं नेगेटिव तो आंसर हो नहीं सकता रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि फॉर द सर्किट गिवन अबव द थेवेनिन रेजिस्टेंस अक्रॉस द ए बी टर्मिनल, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 0.2 किलो ओम, और इसमें थेवेनिन वोल्टेज है ए बी के अक्रॉस क्या होगा, यहाँ पर थेवेनिन जो वोल्टेज है यहाँ पर ए बी के अक्रॉस वो हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 वोल्ट आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेटवर्क थ्योरम आर नॉट डेरिवेबल डेरिएबल फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ। तो ये स्टेटमेंट है यहाँ पर गलत है। टू गेट द नॉर्टन करंट वन हैज शॉर्ट द करंट सोर्स, तो ये भी गलत है। यहाँ पर थेवेनिन थ्योरम इज सुटेबल फॉर सर्किट इन्वॉल्विंग वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज कनेक्शन, ये सही है। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जैसे कि पहला स्टेटमेंट है नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सेम एज द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरटीएच, ये सही है। नॉर्टन इक्विवेलेंट इज द करंट इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क, ये सही है। और थेवेनिन इक्विवेलेंट है वो वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क है। द लोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सोर्स, तो लोड है पैरेलल में किया जाता है, ये भी सही है। नॉर्टन इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट एंड फिगर ड्रॉन द सर्किट फिगर टू देन वैल्यू ऑफ आई एस सी एंड आर इक्विवेलेंट है आर रेस्पेक्टिवली, आई एस सी और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो आई एस सी और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है जो हम कैलकुलेट करेंगे, तो आई एस सी की जो वैल्यू आएगी वो 2.5 एम्पियर आएगी हमारी, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 2, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे तो आर इक्विवेलेंट 2 ही यहाँ पर शो होगा ये वाला। नेक्स्ट हम देखें नॉर्टन इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में क्या होगा, यहाँ पर नॉर्टन इक्विवेलेंट है ए और बी के बीच में, यानी बी टी एच और आर टी एच की वैल्यू क्या होगी, आई एस सी और आर एन की वैल्यू क्या होगी, या नॉर्टन इक्विवेलेंट हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो आई एस सी और आर एन की वैल्यू होगी, आई एस सी की वैल्यू होगी 0.4 एम्पियर और आर एन की वैल्यू नॉर्टन इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 2 ओम, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे 2 ओम भी दिशा होगा ये वाला, और आई एस सी की वैल्यू 0.4 एम्पियर होगी। नेक्स्ट देखें, जैसे कि एक सर्किट हम हमें दिखाया गया है, जैसे कि सर्किट हम बनाते हैं यहाँ पर बी एस इज द कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स, तो ये बी एस कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स हो गया हमारा, बी एस प्लस और माइनस कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स है, एंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड किया हुआ है और आई एल करंट फ्लो हो रही है, लोड करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है और यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है। आई एल इज द कॉन्स्टेंट करंट लोड, द वैल्यू ऑफ आई एल दैट मैक्सिमम द पावर एब्जॉर्ब बाय द कॉन्स्टेंट करंट लोड, तो मैक्सिमम एब्जॉर्ब पावर यहाँ पर क्या होगी, आई एल की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आई एल की वैल्यू होगी यहाँ पर वो होगी हमारी बी एस डिवाइड बाई 2 आर, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या होता है, ये रेजिस्टेंस इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी आई एल का जो रेजिस्टेंस है लोड का रेजिस्टेंस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए सोर्स के रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो 2 आर हो जाएगा ये, तो बी एस बाई 2 आर हो जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ये नेटवर्क दिखाया गया है, द नेटवर्क विद द इंडिपेंडेंट सोर्स एंड रजिस्टर्स ऑन बिलो फिगर देन द थेवेनिन वोल्टेज बी टी एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस आर टी एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट इज गिवन दैट आई एन एंड रेजिस्टेंस आर एन, तो यहाँ पर किस तरीके से ये इक्विवेलेंट होता है, आर एन और आर टी एस हमारा सेम होता है, इसका मतलब आर एन और आर टी एस तो हमारा सेम होगा ये वाली वैल्यू, और बी टी वाई आर टी है यहाँ पर वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी वो होगी बी टी वाई आर टी आई एस सी की वैल्यू। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ये सर्किट दिखाया गया, कंसिडर दी सर्किट ए एंड बी फॉर दी वैल्यू रेस्पेक्टिवली आई एंड आर, बी इज इक्वलेंट टू, तो सर्किट बी है इक्वलेंट टू ए, तो यहाँ पर आई और आर की वैल्यू क्या होगी,
दोनों सर्किट इक्विवेलेंट है और आई और आर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आई की वैल्यू आएगी 4 एम्पियर और आर की वैल्यू आएगी 24 ओम। 24 ओम किस तरीके से आएगी, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में कनेक्टेड है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पैरेलल में कनेक्टेड है, तो कैसे आएगा पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आ जाएगा हमारा 40 × 60 डिवाइड बाई 100, तो 24 आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा। और करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 एम्पियर, यानी यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो 4 एम्पियर करंट फ्लो होगी। 4 एम्पियर किस तरीके से फ्लो होगी, जैसे कि यहाँ पर हम देखें ये माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस है, इसका मतलब 180 हमारा वोल्टेज हो जाएगा और रेजिस्टेंस कितना है हमारा 24, ये पैरेलल में रेजिस्टेंस है। उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, तो 24 एम्पीयर करंट की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि सर्किट शोन इन द फिगर व्हाट आर द वैल्यू ऑफ नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट एंड कंडक्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगी माइनस अल्फा बी वन बाई आर वन, ये ए की वैल्यू आएगी यानी टर्मिनल ए के बीच में नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू, और कंडक्टेंस की वैल्यू आएगी जी इक्वल टू 1/r2। यहाँ पर कंडक्टेंस जाएगी 1/r2 और यहाँ पर अल्फा टाइम वी वन बाई आर वन है, ये करंट की वैल्यू हो जाएगी नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू। यहाँ पर हम देखें अप्लाई नॉर्टन थ्योरम, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट दे टू दी लैपटॉप टर्मिनल ए एंड बी, यहाँ पर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, इक्विवेलेंट करंट आई एन एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एन की वैल्यू क्या होगी, तो आई एन और आर एन हम निकालेंगे, तो आई एन आएगा 0.5 एम्पियर और आर एन आएगा 4 ओम। हैं गिवन सर्किट विद द डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दे रखा है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू मतलब कहां पर हमें कैलकुलेट करनी है, यहां पर करंट की वैल्यू यहां पर हमें कैलकुलेट करनी है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दे रखा है, यहां पर ये 3 ओम है, ये वी वी वोल्टेज है हमारा, ये 4 है, ये 2 वी वी वोल्टेज है, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ये हमारा कितना आएगा, तो ये जो वैल्यू है हमारी ये आएगी हमारी 12 एम्पियर। कंसिडर द सर्किट एज शोन इन द फिगर, व्हाट वाज द करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है ये, यानी ये जो वैल्यू है हमारी वो क्या है, ये है वैल्यू अल्फा टाइम आई, करंट डिपेंडेंट सोर्स है, तो ये V2 होगा यहाँ पर, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स द वैल्यू ऑफ V2 बाई V1, तो V2 बाई V1 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, तो V2 बाई V1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगी 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 प्लस अल्फा। टेलीगंस थ्योरम एज एप्लीकेबल टू एनी लम्प्ड डीसी नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ द एलिमेंट विद बीइंग लीनियर और नॉन लीनियर टाइम वेरिंग और टाइम इनवेरिएंट इंप्लाइज दैट That is imply that sum of the power taken by all element in the network within the constraints imposed by KCL and KVL is zero. For a linear network containing generator and the impedance, the ratio of the voltage to current produced in other loop is same as the ratio of voltage current obtained. If the position of voltage source and the emitter measuring the current are interchanged, then the network theorem is null. Then the network theorem is called known as reciprocity theorem. In a balanced Wheatstone bridge, if the position of detector and source are interchanged, the bridge will still remain balanced. This interference can be drawn from reciprocity theorem. Which of the following theorem can be applied to any network, linear, non-linear, active, passive, time variant, invariant, time variant? So, वो कौन सी theorem है हमारी? Telegen's theorem. The common voltage across the parallel branch with different voltage sources are computed from the relation. The above statement is associated with the. तो ये किसके साथ में statement है? ये Millman's theorem के साथ में statement connected है. The theorem that enable a number of voltage sources to be combined directly into a single voltage source. That theorem is called Millman's theorem. Next देखें. जैसे कि
A load is connected to active network at the terminal at which the load is connected. RT is equal to 10 and VT is equal to 60 ohm. And the maximum power supplied to the load. तो मैक्सिमम पावर सप्लाई क्या होगी लोड के लिए, तो ये होगी हमारी 90 वाट. ए ह्यूमन नर्वस सिस्टम हैज द ओपन सर्किट वोल्टेज 80 मिली वोल्ट एंड कैन डिलीवर ए करंट ऑफ 5 नैनो एम्पीयर फ्रॉम द 6 मेगा ओम लोड. व्हाट इज द मैक्सिमम पावर अवेलेबल फॉर फ्रॉम द सेल. तो सेल के द्वारा मैक्सिमम पावर अवेलेबल कितनी होगी, 0.16 नैनो वाट. Consider the following circuit. What should be the value of resistance R in the circuit shown? It has to observe maximum power from the source. So, वो होगी हमारी 8 by 3 ohm. What is the value of resistance R which will allow maximum power dissipate in the circuit? That is 11.16 ohms. In the given circuit, the value of R required for the transfer of maximum power to the load having a resistance of 3 ohm, that is 0. In the circuit shown below, the maximum power absorbed by the load resistance. The maximum power absorbed by the load resistance is 2.25 watt. A practical DC current source provided 25 kilowatt to a 50 ohm load and 20 kilowatt to a 200 ohm load. The maximum power that can be drawn from it, that is 22.5 kilowatt. If a constant current generator of 5 ampere shunted by its own resistance of 1 ohm deliver a maximum power P in watt to its load of RL equal RL ohm, then the voltage across the current generator and PR, that is 25 volt and 2.5 and 6.25. When the source is delivering maximum power to the load, the efficiency of circuit is always, the efficiency of circuit is always 50%. नेक्स्ट हम देखें, यील्ड इक्विवेलेंट टू मिलमांस थ्योरम्स, यील्ड इक्विवेलेंट टू द वोल्टेज और करंट सोर्स. Which one of the following is applicable to any network, linear, non-linear, active, passive, time-varying, and time-invariant, as long as Kirchhoff's law are not violated. Kirchhoff's law भी violated नहीं हो, तो यहाँ पर कौन सी होगी, वो Telegen's theorem होगी. Substitutional theorem applies to, substitutional theorem से apply to linear time-invariant network. The total power developed in a circuit V output equal to 125 volt. Then this is equal to 8000 watt. In the figure RA, RV, RC, तो ये क्या है, RA है 20 है हमारा, ये 10 है और ये 10 है. रेजिस्टेंस हमें निकालना है ये वाला, यानी कि इसके बीच में जो रेजिस्टेंस हम निकालते हैं ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी 20 इंटू 10 डिवाइड बाई इन सभी का योग कितना आएगा, 40. तो कितना आ जाएगा, ये 20 से कटेगा दो बार और दो से कटेगा पांच बार, तो ये कितना आ जाएगा, पांच आ जाएगा. आर थ्री की वैल्यू आ जाएगी पांच. तो आर थ्री की वैल्यू पांच कहाँ है, इस दोनों ऑप्शन में है. तो हम एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी ये वैल्यू पांच है तो ये वैल्यू भी पांच होगी. तो आर थ्री और आर वन ये दोनों पांच पांच आएंगे, यानी ये आर थ्री और आर टू पांच पांच है तो ये दोनों पांच पांच आएंगे. आर वन की वैल्यू है वो कितनी आएगी, ये आएगी 10 × 10 डिवाइड बाई 40, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10/4 यानी 2.5. तो ये आंसर आ जाएगा हमारा. फॉलोइंग आर द रिजल्ट ऑफ टेस्ट कंडक्टेड ऑन द अबव स्टार कनेक्टेड लोड. रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड सी ओपन 12 ओम होगा. रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी विथ ए ओपन 22 ओम हो गया. रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए विथ बी ओपन 18 ओम हो गया. इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आएगा 4 ओम, 8 ओम और 14 ओम. Consider the star network shown in the figure. The resistance between the terminal A and B with C open is 6 ohm. Between B and C, A open is 11 ohm. Then between terminal A and C, when B is open 9 ohm. Then RA, RB, RC की वैल्यू क्या आएगी, हमारी ये आएगी. RA equal to 2 आएगा, RB equal to 4 आएगा, RC equal to 7 आएगा. If three resistance in delta connected network are equal in value, that is R delta.
देन दी वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन ईच ब्रांच ऑफ द इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क विल बी इक्वल टू। तो स्टार में क्या हो जाता है, अगर डेल्टा में दिया हुआ है उसको स्टार में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, थ्री टाइम्स डिवाइड हो जाएगी स्टार में। नहीं, जब भी हम डेल्टा से स्टार में जाते हैं तो थ्री टाइम्स डिवाइड हो जाती है। डेल्टा रेजिस्टेंस है वो डिवाइड बाई थ्री हो जाएगा स्टार में। नेक्स्ट टाइम देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ट्रांसफर इम्पीडेंस एट ए टू पोर्ट नेटवर्क, ट्रांसफर इम्पीडेंस एट ए टू पोर्ट नेटवर्क रिमेन कॉन्स्टेंट व्हेन द पोजिशन ऑफ एक्साइटेशन एंड रेस्पॉन्स आर इंटरचेंज्ड इफ द नेटवर्क इज लीनियर एंड कंटेन बायलैटरल लिमिट। द पैरामीटर ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर आर आई दे रखा है यहाँ पर 1 मेगा ओम, आर आउटपुट दे रखा है 10 ओम, और ए की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 6, और बी आई दे रखा है 10 1 माइक्रोवोल्ट। द आउटपुट वोल्टेज इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट आउटपुट वोल्टेज इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस रेस्पेक्टिवली, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा आउटपुट वोल्टेज, इनपुट इम्पीडेंस आएगी इनफाइनाइट और आउटपुट इम्पीडेंस आएगी 10 ओम। यहाँ पर हम देखें लीनियर नेटवर्क है, साउंड बाज साउंड है ओनली रेजिस्टेंस, इफ आई वन इक्वल टू 8 एम्पियर, आई टू इक्वल टू 12 एम्पियर, वोल्टेज वी इज फाउंड 80 वोल्ट एंड वी इज इक्वल टू 0, व्हेन आई वन इक्वल टू -8 एम्पियर एंड आई टू इक्वल टू 4 एम्पियर, देन दी वैल्यू ऑफ बी व्हेन दी आई वन और आई टू इक्वल टू 10 एम्पियर होगा। तो बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 75 वोल्ट आएगा। नेटवर्क फंक्शन बी एस वाई आई एस सी दिया हुआ है, बी टी एट इक्वल टू 0.4, रिलैक्स्ड सर्किट विथ यूनिट स्टेप। तो यूनिट स्टेप में क्या हो जाता है, यूनिट स्टेप में 1 के इक्विवेलेंट रख देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, 4/5, तो 4/5 क्या आ जाएगा, पॉइंट के अकॉर्डिंग आएगा, ये हमारा 0.5 आ जाएगा। तो यूनिट स्टेप में हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें, ये टू पोर्ट नेटवर्क इज डिफाइंड एज द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इक्वेशन, द इंपेडेंस पैरामीटर आर गिवन बाय, तो इंपेडेंस पैरामीटर क्या होगा यहाँ पर, I1 I2, तो ये बाई पैरामीटर है, तो बाई पैरामीटर की अकॉर्डिंग जेड पैरामीटर हम निकालते हैं तो 1/2 से हम निकालेंगे, तो 1/2 के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे ये, तो ये कितना आएगा, ये आएगी वैल्यू 1/2 यानी 1, और ये 1/2 है, -1 हो जाएगा, ये 1 और ये 2 हो जाएगा। तो ये पहले किसकी आ रही है, बाय 1 1 2 आता है और बाय 1 2 है, ये बनाया है। फिर हम देखते हैं, consider delta connection of the resistance its equivalent star connection is shown below, if all the element of the delta connection are scaled by a factor k, k greater than 0, then the element of the corresponding star equivalent will be scaled by a factor, तो वो किस factor से scaled होंगे, k factor से scaled हो जाएंगे। in the given circuit each resistance value is 1 ohm, तो ये 1 है, what is the equivalent resistance across a or b, तो ए और बी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8/15 आएगा। नेक्स्ट देखें, सर्किट हैज दी फॉलोइंग इंपीडेंस जेड ए और जेड बी दे रखा है, देन जेड पैरामीटर विल बी, तो जेड पैरामीटर क्या होंगे, जेड ए और जेड बी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, तो जेड पैरामीटर यहाँ पर होंगे हमारे 3-j4 और 3+j4 और यहाँ पर होगा 3-3। फॉर द टू पोर्ट नेटवर्क एज शोन इन द फिगर जेड मैट्रिक्स इज गिवन बाय, तो जेड मैट्रिक्स किसके द्वारा दी जाएगी, जेड मैट्रिक्स दी जाएगी यहाँ पर, Z1 हो जाएगा यहाँ पर, Z2 Z1 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर भी Z1 हो जाएगा, यहाँ पर Z1 Z2 आ जाएगा, यानी तीनों में Z1 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 आएगा और यहाँ पर Z1 + Z2 हो जाएगा। इंपीडेंस मैट्रिक्स, तो इंपीडेंस मैट्रिक्स यहाँ पर कितनी आएगी,
इम्पीडेंस मैट्रिक्स यहाँ पर निकालेंगे तो इन दोनों का योग यहाँ पर तो कितना आएगा, इन दोनों का योग जेड वन वन में आ जाएगा, यानी जेड वन वन आ जाएगा 60, जेड वन टू है हमारा वो आ जाएगा ओनली ये 40 है, यहाँ पर 4 नहीं है ये 40 है, तो जेड वन टू है हमारा 40 आ जाएगा, जेड टू वन भी हमारा 40 आ जाएगा, और जेड टू टू हमारा इन दोनों का योग हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। थोड़ी सर्किट ऑन द फिगर व्हेन द वोल्टेज ई इज 10 वोल्ट देन करंट इज 1 एम्पियर, इफ द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल सी डी इज 100 वोल्ट देन द शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो थ्रू द नेटवर्क ए बी, तो वो कितनी हमारे निकाल के आएगी, वो आएगी 10 एम्पियर। इफ द जेड पैरामीटर ऑफ द टी नेटवर्क इज ऑन द फिगर जेड 11 जेड 22 जेड 12 टू जेड 21 इन दी वैल्यू ऑफ जेड वन जेड टू जेड थ्री, जेड वन जेड टू जेड थ्री क्या होगा, जैसे कि जेड वन वन जेड वन टू ये 30 है हमारी, तो ये हमारी क्या होगी 10 होगी, और ये हमारी कितनी होगी 20 होगी, यानी जेड वन की वैल्यू 10, जेड टू की वैल्यू 20 और जेड थ्री की वैल्यू 30, तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से होगा क्योंकि इन दोनों का योग 40 दे रखा है, जैसे कि जेड वन वन में 40 दे रखा है, इन दोनों का जेड वन टू और जेड टू वन 30 दे रखा है, ये जेड वन टू जेड टू दे रखा है, जेड टू टू की वैल्यू 50 दे रखी है, यानी इन दोनों का योग 50 दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है जेड पैरामीटर मैट्रिक्स ऑफ द गिवन नेटवर्क, तो जेड पैरामीटर मैट्रिक्स क्या होगी यहाँ पर, तो पहला तो हो जाएगा 3+j j4 हो जाएगा, यानी कि क्या वैल्यू होगी यहाँ पर, वैल्यू हो जाएगी 3+j4 क्योंकि इन दोनों का योग 3+j4, दूसरी भी यहाँ पर 3+j4 आएगी, जेड वन टू जेड टू वन भी 3+j4 आएगी, और जेड टू टू है इन दोनों का योग कर देंगे 5+j6 आ जाएगी, तो ये हमारी जेड मैट्रिक्स हो जाएगी यहाँ पर नेटवर्क को देख करके। इसकी हम देख लेते हैं जेड मैट्रिक्स क्या होगी, इसकी जेड मैट्रिक्स क्या होगी यहाँ पर, इसकी जेड मैट्रिक्स ये होगी 6/5, 4/5, 4/5 और 1/11/5। यहाँ पर हम देखें वन पोर्ट नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ए कैपेसिटर 2 फैराड पैरेलल विद द रेजिस्टेंस 1/3 ओम, देन द इनपुट इम्पीडेंस, तो इनपुट इम्पीडेंस क्या होगी यहाँ पर, इनपुट इम्पीडेंस होगी 2s+3। यहाँ टू पोर्ट नेटवर्क रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पैरामीटर b1 b2 abcd पैरामीटर, तो z11 दे रखा है यहाँ पर 60, z12 दे रखा है 20, z21 दे रखा है 20 और z22 दे रखा है 40, इनसे हमें एबीसीडी पैरामीटर निकालना है। तो एबीसीडी पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एबीसीडी पैरामीटर आएगा हमारा 3, 100, 1/20 और 2, यानी लीनियर नेटवर्क 1 ओम रेजिस्टेंस कंज्यूम द पावर ऑफ 4 वाट व्हेन द वोल्टेज का सोर्स ऑफ 4 वोल्टेज अप्लाइड टू द एंटायर सर्किट एंड 60 वाट व्हेन द वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय 88 वोल्ट देन द पावर कंज्यूम बाय 1 ओम रेजिस्टर व्हेन 12 वोल्ट इज अप्लाइड, तो वो आएगी हमारी 36 बार। I1 और I2 यानी कि बाई पैरामीटर हमें दे रखे हैं, एबीसीडी पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना है, तो ये आएगा हमारा 2 -3 10 और -6 -9। टू पोर्ट नेटवर्क इज डिफाइंड बाय द रिलेशन द वैल्यू ऑफ Z12, तो Z12 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, तो ये क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो 3/41 हो जाएगी यहाँ पर Z12 की वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि टू पोर्ट नेटवर्क दिखाया गया है, वाई वन टू की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर वाई वन टू की वैल्यू होगी -YC के इक्विवेलेंट, यानी इसके माइनस के इक्विवेलेंट होगी।
नेक्स्ट देखें फोर डी टू पोर्ट नेटवर्क है सोन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई टू वन। अब वाई टू वन की वैल्यू क्या होगी इसमें, इसमें होगी वाई टू वन की वैल्यू ये वाली जी एम माइनस वाई थ्री। टू पोर्ट नेटवर्क दिखाया गया है यहाँ पर भी, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर कौन सा है यहाँ पर, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर है पहला तो ये है शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट कर रखा है और इसमें ये शॉर्ट कर रखा है, तो ये दोनों शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर है। जेड मैट्रिक्स ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क दी हुई है, एलिमेंट वाई टू टू करस्पॉन्डिंग टू बाई मैट्रिक्स ऑफ द सेम नेटवर्क इज गिवन बाई, तो बाई टू टू क्या हो जाएगा 0.2, इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 1.8। बाई पैरामीटर देखा रखा है सर्किट के अंदर, इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसको किस तरीके रिप्रेजेंट करेंगे 1/5 -1/5, ये -1/5 आ जाएगा और इधर से 1/5, ये भी 1/5 और ये दोनों -1/5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सर्किट पैरामीटर मैट्रिक्स ऑफ बाई, तो ये -3.5 -3.5 ये आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी और ये 0.7 आ जाएगा, यानी इन दोनों का योग y11, इन दोनों का योग y22 और इसका माइनस है -y11 y12 और y21 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, इसका -1/2 और y21। नेक्स्ट देखें जैसे कि ये टू पोर्ट नेटवर्क शोन इन द फिगर इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, तो इस इक्वेशन से इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर एडमिटेंस पैरामीटर हैं नेटवर्क के दिखाए गए हैं, तो एडमिटेंस पैरामीटर ये आएंगे हमारे। यहाँ पर हम देखें जैसे कि पोर्ट वन दे रखा है, टू पोर्ट नेटवर्क है शोन सर्किट, I1 की वैल्यू रखी है 4i2 और V2 की वैल्यू रखी है 0.5i2, तो इसमें कौन सा सही है यहाँ पर, ये वैल्यू सही होगी यहाँ पर y12 की वैल्यू 8 देओम होगी। यहाँ पर टू पोर्ट नेटवर्क का रिलेशन दिखाया गया है, तो y12 की वैल्यू क्या होगी, y12 की वैल्यू होगी 1 ओम देओम। टू पोर्ट नेटवर्क यहाँ पर दिखाया गया है, तो इसमें ये जो वैल्यू होगी सर्किट पहला तो रेसिप्रोकल होगा और a = यहाँ पर d नहीं होगा, रेसिप्रोकल है, और दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह होगी कि y11 की वैल्यू 1/50 होगी, इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे a = d यहाँ पर कभी नहीं होगा। टू पोर्ट नेटवर्क ये बताया गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी a की वैल्यू 25 होगी। ये भी एक नेटवर्क बताया गया है टू पोर्ट नेटवर्क जो कि यहाँ पर दिखाया गया है p, पोर्ट वन और पोर्ट टू हैं इसमें डिनोट किए गए हैं, यहाँ पर ए बी के द्वारा पोर्ट वन को डिनोट किया गया है और सी डी के द्वारा पोर्ट टू को डिनोट किया गया है, और इम्पीडेंस मैट्रिक्स यहाँ पर रखी है जेड विद दी पैरामीटर डिनोटेड जेड आई जे, वन ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद दी नेटवर्क एट पोर्ट वन, तो ये कनेक्ट किया गया है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 1+J11 हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी हमारी 1+J11 Z12 Z21 Z22 आ जाएगी। नेक्स्ट देखें बाई पैरामीटर ऑफ नेटवर्क, ये नेटवर्क के बाई पैरामीटर क्या होंगे, तो इस नेटवर्क का हम बाई पैरामीटर निकालेंगे, तो कैसे निकलेंगे यहाँ पर बाई पैरामीटर इस नेटवर्क के, ये निकलेंगे हमारे 0.04 -0.04 -0.04 और 0.03। फॉर द टू पोर्ट नेटवर्क ऑन द फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पैरामीटर h21, h21 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर -0.4 होगी, 0.4 क्यों होगी, क्योंकि 1/4 माइनस का ये हो जाएगी हमारी h21 और h21 की वैल्यू। यहाँ पर हम देखें टू पोर्ट नेटवर्क ऑन देन दी करेंट सीक्वेंस यहाँ पर क्या होगा, करेंट सीक्वेंस होगा हमारे पास में IC की वैल्यू ID के इक्विवेलेंट होगी, IC = ID,
ये करेक्ट सीक्वेंस होगा। पूरे टू पोर्ट नेटवर्क इज ऑन बिलो द पैरामीटर H12 और H21 का वैल्यू क्या होगी। H12 और H21 की वैल्यू 1/2 और 1 होगी। द टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क आर इंडिकेटेड ऑन द बिलो फिगर। इफ द टू पोर्ट इज रेसिप्रोकल, इफ टू पोर्ट इज रेसिप्रोकल देन H12 इक्वल टू माइनस H21। कंसिडर दी फॉलोइंग एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी रेसिप्रोकल। यहाँ पर हम देखें पैरामीटर टाइप एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी रिलीवेंट टू पोर्ट पैरामीटर आर डिस्क्राइब्ड। दी सर्किट शोन आर, तो सर्किट शोन किस तरीके होंगे, ये होंगे हमारे जी पैरामीटर 0 0 0 0। दी एच पैरामीटर फॉर टू पोर्ट नेटवर्क आर डिफाइंड बाई, एच पैरामीटर फॉर टू पोर्ट नेटवर्क इज डिफाइंड बाई 0.25। आइडियल ट्रांसफार्मर है दी इंडक्टिव लोड एलिमेंट एट पोर्ट टू एज शोन दी फिगर बिलो। दी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस एट पोर्ट वन इज, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस एट पोर्ट वन इज एन स्क्वायर एल। Consider the following standard symbol of two port parameter, that is H12 and H21 are dimensionless, H11 and B have dimension of ohm and BC is dimensionless। तो यहाँ पर इस तरीके से dimensionless होंगे two port network में standard symbol है। Consider the following representation of reciprocity in term of Z parameter। तो कंडीशन क्या है रेसिप्रोसिटी की, Z12 Z21 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। टू पोर्ट रेसिप्रोकल नेटवर्क द थ्री ट्रांसमिशन पैरामीटर आर ए बी सी देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ डी। तो रेसिप्रोकल के लिए ए इक्वल टू डी होना चाहिए या क्या होना चाहिए, ए सी इक्वल टू बी डी होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं तो क्या आएगा, 9 आएगा। नेक्स्ट हम देखें कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी ऑफ टू पोर्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क। तो रेसिप्रोसिटी की कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन होती है हमारी ए बी सी डी इक्वल टू 1। ए पैसिव टू पोर्ट नेटवर्क इज स्टेडी स्टेट कंपेयर टू इट्स इनपुट है। द स्टेडी स्टेट आउटपुट कैन नेवर ऑफर, स्टेडी स्टेट आउटपुट कैन नेवर ऑफर ग्रेटर पावर। नेक्स्ट हम देखें टू पोर्ट नेटवर्क है सोनन फिगर। हाइब्रिड पैरामीटर H12 की वैल्यू क्या होगी, हाइब्रिड पैरामीटर H12 की वैल्यू होगी R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R3। ये हाइब्रिड H12 की वैल्यू होगी H12। एच पैरामीटर H11 और H22 आर रिलेटेड टू जेड एंड वाई पैरामीटर, दैट इज H11 इक्वल टू बाई 1 बाई 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 1 एंड H22 इक्वल टू 1 बाई Z22। कंसीडर दी फॉलोइंग नेटवर्क, व्हाट इज दी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन दी नेटवर्क गिवन अबव इन ऑर्डर टू डिलीट और डिटरमाइन दी कंप्लीट आउटपुट ऑफ नेट वर्क ओवरऑल फ्यूचर टाइम फॉर द गिवन इनपुट। ओवरऑल फ्यूचर टाइम फॉर द गिवन इनपुट इज 2। फॉर ए टू पोर्ट सिमेट्रिकल बायलैटरल नेटवर्क इफ ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ पैरामीटर सी विल बी, वैल्यू ऑफ पैरामीटर सी विल बी 8। फॉर ए पैरेलल प्लेट ट्रांसमिशन एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस इम्पीडेंस जेड नॉट इज रियल इज गिवन बाई, जेड नॉट इन रियल इज गिवन बाई जेड नॉट इक्वल टू अंडर रूट एल बाई सी। आर ए आर वी आर द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एज शोन बिलो एंड द सर्किट एक्सटेंड इंडेफिनेटली इनफाइनेटली इन डायरेक्शन शोन देन व्हाट वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पर? यहाँ पर आर बी इक्वल टू आर ए वन प्लस आर ए, ये आर बी है, आर बी इक्वल टू आर ए वन प्लस आर ए होगा, आर ए डिवाइड बाय ए टू पोर्ट नेटवर्क विद ट्रांसमिशन पैरामीटर ए वन वी वन सी वन डी वन ए टू वी टू सी टू डिस्पीटी रेस्पेक्टिवली कैस्केडेड। तो इनको यहाँ पर कैस्केडेड किया गया है। ट्रांसमिशन पैरामीटर मैट्रिक्स ऑफ कैस्केडेड नेटवर्क विल बी, मैट्रिक्स ऑफ कैस्केडेड नेटवर्क विल बी ए वन बी वन सी वन डी वन ए टू बी टू सी टू डी टी। दी टू नेटवर्क आर कैस्केडेड इन दी फिगर, दी इक्विवेलेंट एबीसीडी कांस्टेंट आर ऑब्टेंड फॉर दी कंबाइंड नेटवर्क हैविंग सी इक्वल टू 1.1 एंगल 90 डिग्री, व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ जेड टू? तो जेड टू की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? माइनस के जेड है। दी टू पैसिव टू पोर्ट नेटवर्क आर कनेक्टेड इन कैस्केड एज शोन इन द फिगर, द वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड एट पोर्ट वन, द वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड एट पोर्ट वन दैट इज गिवन बाय तो ये दिया जाएगा पोर्ट वन पर वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, ये दिया जाएगा यहाँ पर बी टी की वैल्यू बी वन बाई ए वन ए वन ए टू प्लस बी वन सी टू और जेड टी दे रहा हो जाएगा ए वन बी टू जेड डी वन बी वन डी टू डिवाइड बाई ए वन ए टू प्लस बी वन सी सी टू। टू आइडेंटिकल टी सेक्शन सच एज वन सॉन बिलो आर कनेक्टेड इन सीरीज, वाट इज दी बाई वन वन इन कॉम्बिनेशन? तो कॉम्बिनेशन में बाई वन वन की वैल्यू क्या होगी? वन बाई जेड वन वन होता है, वन बाई जेड वन वन यानी वन बाई इलेवन, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी यहाँ पर 11 बाई 240 ओम। जेड एस एच एस इक्वल टू जीरो एंड एस इक्वल टू इनफाइनाइट आर रेस्पेक्टिवली, तो यहाँ पर जेड एस की वैल्यू एस इक्वल टू जीरो एस इक्वल टू इनफाइनाइट पर क्या होगी? ये होगी एस इक्वल टू जीरो पर 6 बाई 8 एस, एस इक्वल टू इनफाइनाइट पर 2 बाई एस। द ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस फंक्शन जेड एस एच स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 1 डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 मे बी रियलाइज्ड बाई RC network, RL network and LC network also. For the following driving point impedance function, which of the following statement is true? That is, Z4 is positive real. This is positive real. Consider the following driving point impedance function. That is, positive real is Z4. Next, देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रांसफर इंपीडेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द ट्रांसफर एडमिटेंस। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहाँ पर? ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और यहाँ पर हम देखें वन कैन ड्राइव ट्रांसफर इंपीडेंस ऑफ ए नेटवर्क If its driving point impedance and admittance are known, तो ये भी गलत है यहाँ पर। Driving point impedance is the ratio of Laplace transform of voltage and current time function of the input, ये सही है। A voltage having the Laplace transform is applied to the 2 Henry inductor having zero initial condition. What is the current in the inductor at t equal to infinite? T equal to infinite पे क्या होगी? At t equal to infinite पे s equal to zero put करेंगे, s equal to zero put करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा? ये आएगी हमारी वैल्यू 1/5 क्योंकि 13 5 18 और यहाँ पर हम देखें 9 1/2 यानी 1/5 एम्पीयर करंट आएगी। नेक्स्ट हम देखें 1/5 किस तरीके से आएगी, 2 कॉमन ले लें हम यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस के 3/2s प्लस के 1 यानी 2 का भाग दे दिया हमने सब में, तो इस वजह से 1/5 आएगी यहाँ पर। द ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस फंक्शन Z इक्वल टू x² प्लस 2s प्लस 2 डिवाइड बाय x² प्लस s प्लस 1 कैन बी रियलाइज्ड एज, तो कैन बी रियलाइज्ड एज RLC नेटवर्क। व्हाट इज द ड्राइविंग पॉइंट ऑपरेशनल इंपीडेंस ऑफ द नेटवर्क गिवन बिलो? दैट इज 2s प्लस 1 एंड 3s प्लस 2।
driving point impedance S plus 2 divided by S plus 3. The system is initially at rest. For the voltage signal is unit step. The current IT through the impedance Z is given by. So, this will be 3 by 2 minus 1 by 2 e to the power minus 2t. This is given by R1 value. So, R1 value will be given by 17 by 16. इम्पीडेंस हमें दी हुई है सर्किट की, हमें क्या निकालना है यहाँ पर इम्पीडेंस सर्किट की इस तरीके से निकलेगी 1 बाई सी एस प्लस आर एस एस प्लस आर एल डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल एस प्लस 1 बाई एल सी। नेक्स्ट देखें जैसे कि नेटवर्क फंक्शन ऑफ एस प्लस 2 एस प्लस 1 एस प्लस 3 रिप्रेजेंट है। तो ये जो फंक्शन है किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर ये फंक्शन हमारा रिप्रेजेंट करेगा आरसी इम्पीडेंस एंड आरएल एडमिटेंस, आरसी इम्पीडेंस एडमिटेंस एडमिटेंस एलिमेंट आरएल सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इम्पीडेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो ये एक्सप्रेस किया जा सकता है 10 ओम 1 बाई 40 ओम हेनरी एंड 0.1 फेरेड। इम्पीडेंस ऑफ आरसी नेटवर्क के जेड एस दिया हुआ है, देन आरएलसी की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, आरएलसी की वैल्यू आएगी 10 ओम 1 बाई 20 और 1 बाई 5। फॉर द ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन जेड एस दिया हुआ है एस स्क्वायर प्लस 7 एस प्लस 3 एस स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 3 एस प्लस बी। द सर्किट रिलेशन इज शोन इन द फिगर, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ए और बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये होगी ए और बी की वैल्यू 2 और 1। ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस ऑफ आरसी नेटवर्क इज गिवन बाय, तो कैनोनिकल रिलाइजेशन क्या हो सकता है, कैनोनिकल रिलाइजेशन है यहाँ पर ये हो सकता है 5 एलिमेंट। यहाँ पर हम देखें जैसे कि फोर दी सर्किट ऑन बिलो द नेचुरल फ्रिक्वेंसी एट पोर्ट 2 आर गिवन बाय एस प्लस 2 इक्वल टू 0 एस प्लस 5 इक्वल टू 0 without knowing which refer to the open circuit and which is to the short circuit, then the impedance Z11 and Z22 are given respectively. That is K1 S divided by S plus 2 and K2 S plus 2 divided by S plus 5. ये हम देखें तो ये वैल्यू आएगी हमारी 3 by 16 S plus 4 divided by S plus 1. Next question देखें, देखिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा हमारा ये आरसी नेटवर्क ओनली। ये क्वेश्चन है नेटवर्क फंक्शन, इसका आंसर आएगा ये क्वेश्चन है आंसर आएगा ये क्वेश्चन है आंसर आएगा इसका ये क्वेश्चन है हमारा आंसर आएगा इसका ये, और ये क्वेश्चन है आंसर आएगा इसका एस प्लस 1 डिवाइड बाई एस प्लस 2। पोल्स एंड जीरो ऑफ ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन जेड एस आर एच, तो जेड एस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये होगी द लोएस्ट एंड हाईएस्ट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द आरसी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस आर रेस्पेक्टिवली, दैट इज ए पोल एंड ए जीरो। ए पोल ऑफ ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन इम्प्लाइज दैट इज जीरो वोल्टेज फॉर द फाइनाइट वैल्यू ऑफ ड्राइविंग करंट। द सिस्टम मैट्रिक्स ऑफ ए कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम इज गिवन बाय, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 5 एस प्लस 3 इक्वल टू 0। द फॉलोइंग्स ऑन द नेटवर्क द फंक्शन जेड जी एस इक्वल टू वी आउटपुट एस डिवाइड बाई वी इनपुट एस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.4 हेनरी एंड 0.5 फेरड। ये हम इसको रियलाइज करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2 और 1। द वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ नेटवर्क इज, वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ नेटवर्क इज 1 बाई प्लस 2 एस स्क्वायर। फॉर ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन ऑफ द सर्किट जेड एस इक्वल टू एस प्लस एल्फा एस प्लस बीटा, एल्फा एंड बीटा रियल, द वोल्टेज विल लीड द करंट इन एल्फा एंड बीटा आर, दैट इज पॉजिटिव एंड अल्फा लेस देन बीटा।
व्हाट इज द पोल एंड जीरो ऑफ जेड एस? तो गिवन सर्किट में पोल और जीरो क्या है जेड एस का? ये होगा एस, ये वैल्यू यहाँ पर हम देखें, इसका आंसर होगा ये एन आर सी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन जेड एस हैज इक्वल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरो एट द फाइनाइट लोकेशन देन डी इक्वल टू जेड एस जेड नॉट ग्रेटर देन जेड इनफाइनाइट. A network function has 0 at s equal to minus 1 and pole at s equal to minus 1 plus minus j1. The multiplier being unity. If the input is a unit step function, then what is the steady state response? So steady state response kya hoga? 0.5 angle 0 degree. The pole 0 diagram of the impedance Zs is shown in the figure. K equal to 1 and equal to pole and 0 and pole. और जीरो यहाँ पर दिए हुए हैं तो ये वैल्यू आएगी 45 डिग्री. ये क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा यहाँ पर ये यहाँ पर इसका आंसर होगा हमारा ये लीड है बाय द एंगल ऑफ 30 डिग्री. ये क्वेश्चन है इसका आंसर होगा हमारा 2 ओम और 2 बाय 3 हेनरी and 2 by 3 Henry. ये क्वेश्चन है इसका आंसर होगा अल्फा बीटा रियल पॉजिटिव एंड बीटा ग्रेटर देन अल्फा फॉर वोल्टेज विल लीड द करंट फॉर साइनसोइडल इनपुट. द फर्स्ट क्यूलर एलसी नेटवर्क द फर्स्ट एलिमेंट इज सीरीज इंडक्टर देन द ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन कंसिस्ट ऑफ ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन कंसिस्ट ऑफ पोल एट ओमेगा इक्वल टू 0. ये एक नेटवर्क है इसका इस जो टाइमिंग पॉइंट इम्पीडेंस है इसका नेटवर्क क्या होगा? इसका नेटवर्क होगा हमारा ये इन द फर्स्ट क्यूलर नेटवर्क द पोल एज इनफाइनाइट द फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी द फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए यहाँ पर सीरीज इंडक्टर होना चाहिए. यहाँ पर ये दिखाया गया है तो ये आगे आंसर आएगा हमारे पास में ये सीरीज एलसी नेटवर्क. यहाँ पर हमें बताना है कि एलसी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस का फंक्शन कौन सा है यहाँ पर तो ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स. रेस्पॉन्स ऑफ लीनियर सिस्टम टू एक्साइटेशन ये दिया हुआ है तो पोल और जीरो कहाँ पर होंगे? पोल और जीरो होंगे माइनस टू और माइनस थ्री और माइनस फोर पर. जेड एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस नाइन डिवाइड बाई एस एस प्लस एस स्क्वायर प्लस फोर में भी सिंथेसिस इन द क्यूलर फॉर्म में तो क्यूलर फॉर्म में इसको सिंथेसाइज किया जाएगा तो ये आएगी हमारी वैल्यू. और कैपेसिटी ऑफ ड्राई सेल इज मोर देन मोर व्हेन इट सप्लाइज करंट इंटरमीटेंटली. ई एम एफ ऑफ प्राइमरी सेल डिपेंड अपॉन फर्स्ट इज नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. Internal resistance of primary cell varies. Internal resistance of primary cell varies with inversely with the distance between the electrode, inversely with the surface area of the electrode, directly with the distance between the electrode, so directly vary करता है, inversely यहाँ पर vary नहीं करेगा ये वाली, और with the nature of electrode ये भी सही है यहाँ पर. Five cells are connected in series in a row and then four such rows are connected in parallel to feed the current of resistance load is 1.25 ohm. Each cell has EMF 1.5 volt with the internal resistance 0.2 ohm. The current through the load will be, so current through load kya hogi yahan par? Current through load will be 5 ampere hogi. Ye ek numerical hai, iska answer hoga ye. If the battery has zero internal resistance and external resistance R is gradually decreased in the circuit, then the voltmeter reading will be, remain constant. If the circuit show above, if the battery has some definite internal resistance and R is gradually reduced, voltmeter reading will be, decreased. Cell are connected in parallel in order to increase the current capacity.
नेक्स्ट हम देखें फॉर ग्रुप ऑफ द सेल व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू द एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस देन द ग्रुप विल डिलीवर मैक्सिमम एम्पियर्स आवर। नेक्स्ट देखें क्यूलर एंड फोस्टर फॉर्म ऑफ यूटिलाइजेशन आर यूज्ड ओनली फॉर, तो ये किसके लिए यूज की जाती है, ये हम यूज करते हैं सिर्फ ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस फंक्शन के लिए। जैसे हम देखें यहाँ पर ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस में आरसी नेटवर्क इज गिवन बाय इट इज रियलाइजेशन फॉर्म ऑफ फोस्टर फॉर्म देन इट शैल बी फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट है हमारा मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस है तो लास्ट एलिमेंट कैपेसिटेंस होगा। K1 K2 का स्केल फैक्टर हमें निकालना है कि यहाँ पर K1 K2 स्केल फैक्टर है, ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस हमें निकालनी है तो ये क्या आएगी K2 इक्वल टू एस प्लस 5 डिवाइड बाई एस प्लस 8। और हमें देखे कि L और C की वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू आएगी 2 और 1। यहाँ पर हम देखे L C की ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस निकालनी है तो ये वैल्यू आएगी हमारी 2 और 4। विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट, दी इम्पीडेंस फंक्शन, इम्पीडेंस फंक्शन क्या आएगा यहाँ पर LC ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन आएगा। जैसे कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लीड एसिड सेल द थर्मल वोल्टेज डिक्रीज विथ डिक्रीज इन, द थर्मल वोल्टेज डिक्रीज विथ डिक्रीज इन डिस्चार्ज रेट, इन ए बैटरी कवर इज प्लेस्ड ओवर द एलिमेंट एंड सील्ड एट द टॉप ऑफ द बैटरी कंटेनर, दिस इज डन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर कीपिंग दी लीड एसिड बैटरी टर्मिनल फ्री फ्रॉम ओरिजन। इट इज एडवाइजेबल टू अप्लाई पेट्रोलियम जेली इन ए लेड एसिड बैटरी, सेपरेटर आर प्रोवाइडेड टू अवॉइड द इंटरनल शॉर्ट सर्किट इन ए लेड एसिड बैटरी, फिलर आर प्रोवाइडेड टू फैसिलिट फ्लो ऑफ गैसेज। Which of the following test is performed for ascertaining whether the battery plates are defective or not? That is cadmium test. Bent plug is provided in each lead acid cell to pure water or electrolyte when needed and check the electrolyte level and allow escape out of the gases during charging. कॉमन इम्प्योरिटी इन बैटरी इलेक्ट्रोलाइट्स इज आयरन इन ए लेड एसिड बैटरी, सेडिमेंटेशन अकर ड्यू टू ओवर चार्जिंग एट हाई रेट इन ए लेड एसिड बैटरी, एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फेट सरफेस अकर ड्यू टू फर्स्ट इज आइडलनेस ऑफ बैटरी फॉर लॉन्ग टाइम, एंड सेकेंड इज लो लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड थर्ड इज परसिस्टेंट अंडर चार्जिंग, नेक्स्ट हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑन एडेड इन इलेक्ट्रोलाइट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग ब्राइट फिनिश, दैट इज डेक्सट्रोल,
ग्लिसरीन एंड पेनॉल और फेनॉल। एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इलेक्ट्रोलाइट प्रमोट स्मूथ डिपोजिशन, दैट इज ग्लूकोज हो सकता है, एल्बुमिन हो सकता है, फिनॉल हो सकता है। फॉर अचीविंग यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ डिपोजिट ऑन इररेगुलर सरफेस, दैट इज एनोड एंड कैथोड आर कीप्ड फर्दर अपार्ट। रस्ट स्केल्स एंड ऑक्साइड्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ए सरफेस विथ द हेल्प ऑफ बेरियस एसिड, एल्कली एंड साल्ट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीनिंग एंड मैकेनिकल एडिशन। मैकेनिकल एडिशन ABRASIN। ऑयल एंड ग्रीसेज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ए सरफेस विथ हेल्प ऑफ सोप एंड हॉट एल्कलाइन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट सच ए गैसोलीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। Pickling is removal of scale, grease, etc. from the surface. During the electro deposition, the amount of different substance liberated by same quality or same quantity of electrolyte are proportional to chemical equivalent. During the electroplating, the weight of substance deposited depend upon quantity of electricity. Standard cell will have the precise and accurate constant voltage behind current drawn from it a few microampere only. Next देखें हम short circuiting of cell। एक short circuit है cell की, किसके वजह से हो सकती है? बकलिंग ऑफ प्लेट्स की वजह से हो सकती है, ब्रेकडाउन ऑफ वन और मोर सेपरेटर की वजह से हो सकती है, एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ सेल की वजह से हो सकती है, लीड पार्टिकल्स फॉर्मिंग सर्किट बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट की वजह से हो सकती है। शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ सेल रिजल्ट इन रिड्यूसिंग गैसिंग ड्यूरिंग द चार्जिंग, एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ओवर चार्जिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी, वुड क्यूज excessive gassing, loss of active material, increase in temperature resulting in buckling of plates. In comparison to constant current charging method, the constant voltage charging method of charging a lead acid battery has the advantages of that is reducing the charging time and avoiding excessive gassing. Battery charging equipment should be installed first is as well as ventilated, clean and dry place and as near as practical to battery under charge. The condition of fully charged lead acid battery cannot be ascertained by color of electrolytes. The EMF of lead acid battery increase with increase in specific gravity of electrolyte and slightly increase with increase in temperature. Next term देखें, a floating battery is one which supplies current intermittently and also during idle period gets charged. Nickel cadmium accumulator in comparison to nickel iron accumulator have the advantage of low internal resistance and longer life. During charging and discharging of addition cell, that is electrolytes does not take part in chemical reaction. The capacity of lead acid battery is adversely affected by increase in discharge rate. The capacity of lead acid battery does not depend upon charge rate. Capacity of lead acid battery does not depend upon charge rate. Energy capacity of storage battery is rated in ampere server. In the specific gravity of the electrolyte in the lead acid cell increase beyond 1.23,
देयर विल बी इंक्रीज इन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं। बाकी जितने भी हमने न्यूमेरिकल वो देखे हैं, और ये हम वापस से किसी वीडियो के अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में सॉल्व करेंगे।